नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां निर्भया कांड के दोषियों को सूली पर लटकाने के बाद महिलाओं में न्याय व्यवस्था पर यकीन किया है। आजमगढ़ की महिला संस्थान की महिलाओं ने निर्भया हत्याकांड के दोषियों को सजा मिलने पर खुशी जाहिर की। साथ ही देश में कोरोना जैसी भयानक बीमारी पर भी चिंता जाहिर की, जिसके चलते उन्होंने कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया और उन्होंने उम्मीद की कि देश और समाज में लड़कियों महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। निर्भया हत्याकांड के लिए तो हम लोग निराशा हो गए थे, एकदम निराश हो गए थे सभी महिलाएं। अक्सर ये बातें होती थी समाज में कि लग रहा है कि अब उन दोषियों को सज़ा नहीं मिलेगी, और ये ऐसा होने को भी था कि कुछ लोग याचिका मंजूर कर ली जाएगी, ये मतलब कि काफ़ी न्यूज़ में निकल रहा था। मगर हम लोग न्यायपालिका से जो भी न्याय दिया गया है बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं। हम महिलाएँ एक उम्मीद जाग गई है कि अगर इस तरीके के केस, इस तरह अपराध हो रहे हैं और इसमें न्याय हमारी मदद कर रही है और उनको सज़ा दे रही है, तो शायद ये अच्छे दिन भी आ सकते हैं और इसकी निगेटिव भी देखा जा सकता है। दोनों चीज़ें हम लोग सोच रहे हैं कि ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। हर जगह अबीर लगा के, ढोलक बजा के, और आपके शहरों से दूसरे शहरों में कितनी संस्थाएं, कितनी संगठन इसकी खुशी जाहिर कर रही है। ये हम लोग ने भी कल खुशी बहुत मनाई, मिठाइयां देकर महिलाएं, बच्चियों को। ये बहुत खुशी है कि निर्भया हत्याकांड के दोषियों को आखिर सजा मिल गई, हम बहुत प्रसन्न हैं इससे। अच्छा, आज दिन जो रेप हो रहा है महिलाओं के साथ और महिलाएं सेफ भी नहीं है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इसके लिए तो संदेश, जो महिलाओं को साथ आए दिन अत्याचार हो रहा है, छोटी सिटी हो या बड़ी सिटी हो, आए दिन अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है बच्चियों को, फिर छोटी बच्चियां तक नहीं देखी जा रही हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। ये अभी तो हम लोग देश की आर्थिक स्थिति से कोरोना के वजह से कितने गुजर रहे हैं कि हम लोग इसकी बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं प्रकट कर पा रहे हैं। नहीं तो ये देश के लिए तो एक स्थिति अभी गुजरी रही थी, तब तक ये आर्थिक स्थिति से लगाए ये महामारी देश को एक डर पैदा कर दी। हालांकि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, एक अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है और देश खुद को एक मजबूत और खुश रहने की ज़रूरत है। शायद हमारे लिए यही वक्त है इसको एक ताकत बन के गुजरने का। पर ये जो महिलाओं के साथ हो रहा है और आए दिन इसका गांव हुआ, शहर हुआ, इस पर सरकार से यही उम्मीद हम करेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मुझे नहीं लगता है कि जो फांसी की सज़ा, कुछ लोगों को ये बात है, हम महिलाएं भी हैं, पढ़ने पे ये इमोशनल है कि इनको फांसी दी गई है, पर हमें लगता है जो बच्चों के साथ अत्याचार होता है, जो औरतों के साथ होता है, उन पे क्या गुजरती है, उनके दिल पे, उनकी आत्मा पे, ये एक बहुत बड़ा, हत्या से ज़्यादा तो ये बहुत बड़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये फांसी या उनको दंड देना गलत है, मैं इसमें पूरी समर्थन देती हूँ कि वो सही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।